समय बाद दक्ष राजा यहाँ पर एक यज्ञ रखते हैं। यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया गया है, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषिगण सब सिवाय महादेव जी के। अब उस दिन आकाश मार्ग में एक चहल पहल है, सब तैयार होके जा रहे हैं। अब माता देख रही है ये सब कहाँ जा रहे हैं, तो नारद जी को अच्छे से पता है निमंत्रण नहीं आया है, फिर भी वो पहुंचते हैं। आकर कहते अरे माता आप तैयार नहीं हुई, मैंने तो सोचा था आपके साथ ही हो लूंगा। माता कहती ये सब कहां जा रहे हैं, अरे आपको नहीं पता आपके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ रखवाया है आपको नहीं बुलाया। माता ने कहा नहीं। अब नारद जी को ये भी पता था कि भोले बाबा ने सभा की बात नहीं बताई है। नारद जी कहते लगता है दोनों सभा की बात भूले नहीं है। माता ने कहा कौन सी बात, कौन सी सभा की बात, उन्होंने सब बता दिया। माता कही है तो जग को हंसाने वाली बात है कि सबके सामने ससुर दामाद की भी जैसे झगड़े हो रहे हैं और यहां गलती उनके पिता की है, तब उनको समझाने जाना है। अब महादेव जी के सामने आए, अब वो ऐसे दिखा रहे मानो उनको पहले से यज्ञ के बारे में पता था। तो माता ने कहा तैयार हो जाइए मैं पिता के यहां जाना है। महादेव जी ने कहा निमंत्रण आया है तो चलो। बोले मुझे कैसा निमंत्रण, मैं बेटी हूं। बोले मैंने आपको नहीं रोका, आप अपनी मर्जी की मालकिन, आपको जहां जाना है मैं नहीं जाऊंगा। माता ने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहां नहीं आएगा। भोले बाबा कहते अच्छा है ना आए, 10 सांसारिक लोग आएंगे, 10 सांसारिक बातें करेंगे, कोई नहीं आएगा, हम भगवान का नाम लेते रहेंगे। माता ने कहा मुझे तो जाना है। माता चली गई। भोले बाबा को पता था वो वापस नहीं आएंगे क्योंकि जो अपमान वहां होगा वो उसे देख नहीं पाएगी। देखिए हम सभी को पता है कि माता ने उस जो हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी थी, पर कहते ना हर कथा के पीछे एक कथा होती है, ये क्यों हुआ इसके पीछे भी एक कथा है। कथा है कि जब श्री राम की लीला चल रही थी तो इस समय की बात है जब सीता माता का हरण हुआ था, तो श्री राम बहुत दुख में थे, पागलों की तरह वन में घूम रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे हैं सीता कहाँ है। तो ऊपर सती माता और महादेव जी देख रहे हैं, तो सती माता ने महादेव जी से कहा कि जिस भगवान की आप पूजा करते हैं ये वो ही है। महादेव जी ने कहा अब उनको भरोसा नहीं हो रहा, वो कह रहे कि आप जिनकी पूजा कर रहे हैं उनको तो सब वो ऐसे क्यों घूम रहे हैं जैसे उनको कुछ पता नहीं है कि वो साधारण से मनुष्य है। महादेव जी कहे ये लीला है उनकी, आप चिंता मत करिए वो लीला कर रहे हैं। पर माता को विश्वास नहीं हो रहा, भोले बाबा के समझाने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा। तो भोले बाबा ने उनसे कह दिया कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा ले लीजिए। क्या आप परीक्षा ले लीजिए। माता ने कहा ठीक है। तो उन्होंने परीक्षा कैसे ली, माता ने सीता माता का रूप लिया और श्री राम के सामने गई। अब वो साधारण होंगे तो सीता माता समझ लेंगे उनको, तो सीता माता बनकर जाती है। जैसे ही सामने आई श्री राम उनके चरणों को देखते हुए कहते हैं प्रणाम माता, बाबा कहाँ है। सती माता को अपनी गलती का एहसास हुआ, अब वो जाने लगती है, पर उन्होंने फिर मुड़कर देखा, श्री राम समझ गए कि उनको चिंता हो रही है। तो उन्होंने एक दृश्य दिखाया सामने कि श्री राम चल रहे हैं, सीता माता चल रही है, लक्ष्मण जी चल रहे हैं। तो श्री राम ने उनको मानो ये समझाया हो कि आप चिंता मत करिए सीता ठीक है, ये सब लीला हो रही है। लेकिन इस परीक्षा का परिणाम क्या हुआ, क्योंकि वो सीता माता का रूप ले चुकी थी और महादेव जी श्री राम को मानो
अपना भगवान मानते, अपना पिता स्वरूप मानते हैं, तो सीता माता कौन हुई? उनकी माता। अब वो सती माता को एक पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो सती माता ये समझ गई थी, इसीलिए उन्होंने उस शरीर का त्याग किया और तपस्या कर हिमाचल राजा के यहां पार्वती माता के रूप में प्रकट होती है। तो इसीलिए ये लीला थी कि उन्होंने अपनी आहुति उस हवन कुंड में